એમ એ કીધું અત્યારે સમય ત્યાં વૃક્ષ નો કહીએ જો થતું હોય તો ક્યારે થાય એટલે ધારાસભ્ય ના અમે मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने, ये है बीजेपी के नेता शांतिलाल सुपिरिये का, गुजरात से है जहां पर शराबबंदी है और ये शराब की पार्टी कर रहे हैं। अभी हाल ही में 55 लोगों की मौत हुई थी नकली शराब। अब समझिए जहां पर बीजेपी ने शराबबंदी का ऐलान कर रखा है वहीं नकली शराब से 55 लोगों की मौत हो जाती है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आई है जहां पर नकली शराब पीने से गुजरात में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। जी हां, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी स्मृति ईरानी ने कल संसद में जिस तरीके से अधीर रंजन के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर उसको बहाना बनाकर सोनिया गांधी पर टारगेट किया, उससे साफ जाहिर होता है कि दरअसल वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। जिस गैर कानूनी तरीके से उनकी बेटी गोवा में बार चला रही थी उसके बाद से उनकी देश भर में किरकिरी हुई, जिसकी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने संसद में सोनिया गांधी पर निकाली, यहां तक कि नौबत यहां आ गई कि उनके साथ मैन हैंडलिंग भी की, हाथापाई तक उनको धक्का मुक्की की बात सुनने में आई थी कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी चिड़ी हुई थी उनका गुस्सा संसद में देखने को मिला। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने नेताओं पर या दूसरे पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र की बात करती है उसके नेता किस तरीके से बलात्कार के आरोप में पकड़े जाते हैं, दारू बेचने के आरोप में पकड़े जाते हैं, यहां तक कि देश से गद्दारी करने के आरोप में भी पकड़े गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष ग्रेनेड और बम धमाके जो है अपने घर में रखते थे, अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन बीजेपी और स्मृति ईरानी को इनकी चाल चरित्र और करतूत नहीं दिखेगी। जी हाँ, News24 ने ट्वीट किया है, गुजरात जहरीली शराब कांड के बाद सूरत के बीजेपी बोर्ड प्रमुख शांतिलाल सुपुरिये का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया है, तो इनकी पार्टी आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, वसीम अकरम त्यागी ने ट्वीट किया, ये तस्वीर जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय की छत की है जिस पर एबीवीपी ने भगवा झंडा फहरा दिया। झंडा फहराना ही था तो तिरंगे में कौन सी दुश्मनी थी, तिरंगे के बजाय भगवा फहराने का मतलब यह है कि आपको तिरंगे से कल भी एलर्जी थी और आज भी और बनते फिरते हो देशभक्त। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उसी राजस्थान की है जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट में इससे पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट पर इन्हीं हिंदुत्ववादियों ने हाईकोर्ट पर भगवा झंडा फहराया था, वो भी किसके समर्थन में, शंभुलाल रेगर के समर्थन में, जिसने एक मुस्लिम को सरेआम जलाकर कुल्हाड़ी से मार डाला था, उसके समर्थन में इन्होंने हाईकोर्ट को हाईजेक किया था और उस पर भगवा झंडा फहराया था। ये उसी राजस्थान की फिर से तस्वीर आई है जहां पर एक विश्वविद्यालय की छत पर भगवा झंडा फहरा दिया गया है बीजेपी ने, जो खुद को देशभक्त मानते हैं उन लोगों की यह हरकत है। आप अंदाजे लगा सकते हैं कि तिरंगे का दुश्मन कौन है। और ये देखिए, मेघालय वैशाली चलाने के आरोप में गिरफ्तार बीजेपी उपाध्यक्ष बर्नार्ड मराक के फार्म हाउस से विस्फोटक बरामद, 75 जिलेटिन की छड़े, 100 डेनोरेटर, 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर बरामद हुए हैं। ये बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं जिनके पास से इतना असला निकला है, इतना ग्रेनेड निकला है, आप अंदाजे लगा सकते हैं किस तरीके के हालात है। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी बीजेपी के तमाम नेता इस आरोप में पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, यहां तक कि आतंकवादियों की मदद करने में जेल भी हुई है, सजा भी काट रही है। देखिए, ये देखिए सबसे पहले उस गुजरात की खबर जहां पर शराबबंदी है और बीजेपी दावा करती है कि हमने शराब बंद कर रखी है, लेकिन वहां पर नकली शराब का कारोबार लगातार हो रहा है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए, जहरीली शराब से गुजरात में हुई थी 150 मौतें, 28 मार्च 2019 की यह खबर है। वहीं इसके अलावा देखिए आज तक की खबर, सूरत में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत, ये 17 जनवरी 2017 की है। और ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की सितंबर 14 2016 की है, गुजरात 3 ईयर स्कोर स्क्वायर एस लिक्वर किल्ड, 177 लोग 2017 में मर गए थे। और ये देखिए एक और, सूरत के बरेली गांव में जहरीली शराब से 23 लोगों की मौत। तो ये गुजरात का वो विकास मॉडल है जहां पर लोग नकली शराब पीने से अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दावा करती है कि
गुजरात में हमने शराबबंदी कर रखी है। और अब ये देखिए बीजेपी के उन नेताओं की खबर, जहां पर बीजेपी के जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्मृति ईरानी है वो चाल चरित्र की बात करती है, लेकिन जब उनके नेताओं की बारी आती है तो खामोश हो जाती है। देखिए 29 जुलाई 2022 नव भारत टाइम्स ने खबर छापी है, मेघालय सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था भाजपा नेता मरा, अब फार्म हाउस से मिला विस्फोटक। इनके पास से जो बरामद हुआ है सामान उसमें कई तरह के विस्फोटक हथियार और डेटोनेटर भी मिले हैं। इसके अलावा ये देखिए नव भारत टाइम्स ने 23 जुलाई को खबर छापी थी, स्मृति ईरानी की बेटी पर बार का फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप, जो आप लोगों ने देखा है सोशल मीडिया पर किस तरीके से, यहाँ तक कि इनकी बेटी के बार में आरोप भी लगता है कि वो बीफ तक बेचती थी। और ये देखिए शराबबंदी वाले गुजरात में धुत दिखे बीजेपी नेता, ये खबर 24 जुलाई 2022 की है। एक हमने दिखाया कि शांति प्रिय लाल, वहीं दूसरी तरफ 2024 को भी बीजेपी के नेता टुल दिखे थे। इसके अलावा ये देखिए गुजरात की न्यूज है, एमडीएम में ड्रग्स के साथ बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार, बीजेपी नेता का बेटा गिरफ्तार। तो जितने भी दो नंबर के काम हैं, जितने भी समाज को तोड़ने वाले काम हैं, जितने भी समाज में जहर फैलाने वाले काम हैं, वो सारे बीजेपी के नेता करते हैं। और बीजेपी की जो नेता स्मृति ईरानी वो चाल चरित्र की बात करती है। और अब ये देखिए उत्तराखंड में सेक्स रैकेट ग्रोह की सरगना निकली बीजेपी की नेता, पार्टी में बचा भूचाल। वही देखिए गुजरात में भाजपा नेताओं पर रेप का आरोप, पीड़िता ने कहा पार्टी की सभाओं में सप्लाई होती थी लड़कियां। ये बीजेपी के नेताओं की करतूत है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये देखिए मध्य प्रदेश, थाईलैंड की लड़कियों के साथ पकड़े गए बीजेपी के 3 पदाधिकारी, ये खबर आपको 23 जुलाई 2022 की है। और एक खबर आपकी 17 जुलाई 2017 की है और दूसरी खबर भी 2017 की है। तो बीजेपी के नेता जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां ये लोग इस तरीके की करतूत करते हुए नजर आते हैं। लड़कियां बेचना, उनका बलात्कार करना, बम विस्फोट रखना, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देना, ये सारे जितने भी इन्वॉल्व होते हैं सबका जो है लिंक बीजेपी से होता है। अभी आपने देखा था जयपुर में जो हत्याकांड हुआ वो बीजेपी का सदस्य निकलता है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू में जो अमरनाथ यात्रा पर हमला प्लान कर रहा था वो भी बीजेपी के आईटी सेल का पदाधिकारी निकलता है। आप समझिए जितने भी इस तरीके के काम है। अब ये मेघालय के जो इनके बीजेपी उपाध्यक्ष पकड़े गए हैं उनके पास भी तमाम मसला मिला है। आप समझिए कि कैसे हालात हैं। बीजेपी अपने नेताओं की इंक्वायरी नहीं करती है। इससे पहले भी नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के एक नेता जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे उनको सजा तक हो चुकी है। आप सोचिए किस तरीके के हालात है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी दूसरों के जो है चरित्र पर सवाल उठाती है। स्मृति ईरानी जिनको लगता है, अधीर रंजन चौधरी जिनकी हिंदी कमजोर है, उनके मुंह से राष्ट्रपति निकल गया था तो उसके बाद बवाल मचा बैठी थी। दरअसल वो उनका फ्रस्ट्रेशन था, जिस तरीके से गोवा में उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया था, इलीगल तरीके से वो अपनी बेटी को जो है बाहर चलवा रही थी, उसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपना आपा खो बैठी और संसद में सोनिया गांधी के साथ धक्का मुक्की पर उतर आई। तो इस तरीके के हालात। और ये सारी खबरें बीजेपी के उन नेताओं की है जो या तो रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, या फिर नकली शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, या फिर लड़की सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ तक कि एक बीजेपी के उपाध्यक्ष पदाधिकारी है, कोई सदस्य नहीं है, पदाधिकारी जो बीजेपी के पदाधिकारी उपाध्यक्ष हैं वो वैशाली तक चलाते थे। आप सोचिए कौन महिलाओं की इज्जत करता है कौन नहीं करता है। और ये वो पार्टी है जो खुद उनके नेता लड़कियों को सप्लाई करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको खबर दिखाई है और ये चाल चरित्र की बात करते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी के सारे नेता जिस तरीके से इन कर्म कांडों में पकड़े जाते हैं उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरी पार्टी के नेताओं को गालियां देते हुए नजर आते हैं, उनको कोसते हुए नजर आते हैं और उनको उनके चाल चरित्र की बात करते हैं। अभी आपने देखा था एक चुनावी रैली में मोदी जी सोनिया गांधी के लिए कह रहे थे कि ये कांग्रेस की कौन सी विधवा, ऐसे लफ्ज जो है प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं तो उनके चेलों से उनके कार्यकर्ताओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।